guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing really well today. So in today's video, I am going to review this product by Good Vibes. This is their tea tree oil control sleeping mask. You can have a look. So basically, this is a sleeping mask by Good Vibes that we need to use overnight. So in case you have oily or acne prone skin, this is going to really help you guys. So let me just read out first that what it claims, and then I'll tell you, then I'll show you its texture, and then I'll say what are my opinions and review about it. So basically, tea tree is a powerful ingredient known for its antibacterial properties. So it is an overnight mask to make your skin oil free and healthy. So as we all know, tea tree is a very good antibacterial. So agar koi bhi pimples hain, acne hain, so isse bahut jaldi subside ho jate hain with any tea tree product. So this is basically, this mask is for oily and acne prone skin, but I don't have very oily skin. स्टिल मेरे को कभी कभी समर्स में एक्टिव एक्ने हो जाते हैं, पिंपल हो जाता है. सो मैंने इस मास्क को तभी ट्राई किया था जब मेरे एक्टिव एक्ने थे. लकीली जब मैंने इसको ऑर्डर किया तो मुझे एक दो पिंपल थे, सो मैंने तभी से इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया. आई जस्ट शो यू इट्स टेक्स्चर. सो काफ़ी जेल लाइक टेक्स्चर है, जैसे लाइक ग्रीन जेल लाइक टेक्स्चर. सो बस आपको इसको जैसे नॉर्मल आप मॉइस्चराइजर लगाते हो आपको वैसे लगाना है, एंड जस्ट मसाज इट ऑल ओवर योर फेस, एंड ओवरनाइट आपको इसको धोना है. डू नॉट वॉश इट, जैसे नॉर्मल आप स्किन केयर रूटीन करते हो, यू नो, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग. सो मैं तो मॉइस्चराइजर के मॉइस्चराइजर स्किप करके इसको लगा दी थी, बट अ लॉट ऑफ पीपल आई हैव सीन कि स्लीपिंग मास्क के बाद ही मॉइस्चराइजर लगाते हैं, बट मेरे लिए इतना इनफ था. सो गाइज, मेरे एक्टिव एक्ने को इसने सब्साइड किया. सो मुझे तो ये वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, एंड इसकी पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, एंड फ्रॉम प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ फॉर 285 बक्स, बट आई गॉट इट फॉर अराउंड 220 रुपीज, एंड इट हैज़ अ शेल्फ लाइफ ऑफ 2 ईयर्स विच इज़ प्रिटी डिसेंट, बिकॉज एक्टिव एक्ने और ये सब, जिनकी एक्ने प्रोन स्किन नहीं है उनको कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है. जैसे मेरी इतनी एक्ने प्रोन स्किन नहीं है, मेरी इतनी ऑयली स्किन नहीं है, बट स्टिल गाइस एक दो महीने में एक आध पिंपल तो आ ही जाता है. एंड अगर किसी की एक्ने प्रोन स्किन है, ऑयली स्किन है, सो गाइस प्लीज़ ट्राई इट आउट. बिकॉज आई वुड से वन मोर थिंग कि हम लोग काफ़ी चीज़ों के DIY बना देते हैं, होम रेमेडीज बना देते हैं. स्लीपिंग मास्क के भी काफ़ी लोग DIY बनाते हैं, बट अगर इतना अफोर्डेबल प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, सो अराउंड अगर सेल में आपको 220 तक का मिल रहा है, 200-250 तक का मिल रहा है, सो आई थिंक इतना, अगर आपको DIY बनाना भी है, सो यू नीड टी ट्री एसेंशियल ऑयल, देन यू नीड एलोवेरा जेल और 3-4 इंग्रीडियंट और लोगे. सो आई फील अगर इतने में ही, अगर इतने अफोर्डेबल प्रोडक्ट अगर मिल रहा है, सो आई फील वी कैन एक्चुअली इन्वेस्ट इन इट, एंड इट एक्चुअली वर्क्स गाइस. और एज आई सेड, मेरी इतनी ऑयली स्किन नहीं है, बट स्टिल गाइस इसने मेरी स्किन में बहुत अच्छा वर्क किया. मुझे फर्स्ट डे में, एज इन जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम इसको यूज़ किया, मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग ही दिखा कि मेरे 2 दिन जो पिंपल्स आए हुए थे वो काफ़ी हद तक सबसाइड हो गए. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से गाइस, कोई भी स्लीपिंग मास्क आप डेली अप्लाई मत करो बिकॉज ऑफ द एक्टिव्स प्रेजेंट इन इट. बिकॉज स्लीपिंग मास्क जो होता है, वाई इट इज़ कॉल्ड अ स्लीपिंग मास्क, बिकॉज इट इज़ अ बिट हैवियर देन योर मॉइस्चराइजर, नॉट इन द टेक्स्चर बट विद द इंग्रीडियंट्स प्रेजेंट इन इट. सो द अमाउंट ऑफ एक्टिव्स एंड द अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एंड द अमाउंट ऑफ एसिड्स प्रेजेंट इन इट, दीज आर अ बिट हैवियर देन योर रेगुलर मॉइस्चराइजर. सो आई वुड नॉट रियली रिकमेंड एनी वन टू यूज़ एनी स्लीपिंग मास्क डेली. सो ऑल्टरनेट डेज पे यूज़ कर लो, या यू नो ट्वाइस अ वीक यूज़ कर लो. सो मैंने ऑल्टरनेट डेज पे यूज़ किया है इसे, एंड इट्स वेरी वेरी गुड गाइस, सीरियसली इट्स वेरी वेरी गुड. एंड काफ़ी मैंने इसको यूज़ कर लिया है, दैट इज़ वाई आई एम जस्ट गिविंग यू माई ओपिनियन. सो इन केस यू हैव ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन, गो फॉर इट. एंड इन केस यू आर अ टीनेजर, आई वुड नॉट रियली रिकमेंड अ स्लीपिंग मास्क टू अ टीनेजर, बट इन केस यू आर इन योर 20s यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, बिकॉज गाइस स्लीपिंग मास्क में थोड़े से, एज आई सेड, थोड़े से ज़्यादा एक्टिव्स प्रेजेंट होते हैं. सो टीनेजर्स की स्किन को इतने एक्टिव्स की ज़रूरत नहीं है, बट इफ यू आर इन योर 20s, लेट 20s, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस. एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आपकी स्किन डेफिनेटली बहुत ही यू नो सॉफ्ट एंड सफल हो जाती है. एंड अगर एक्ने नहीं भी है, टू प्रिवेंट देम यू कैन ट्राई दिस वन आउट. सो दिस इज ऑल फॉर द रिव्यू टुडे. सो फ्रॉम माई एंड, यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस प्रोडक्ट गाइस, इट्स अ गुड वन.
and it's a good antibacterial product. So to prevent any kind of acne or pimples. So yeah, this is my review. This is my take on this product. So in case you like this video, do like, share and subscribe to my channel. Thank you guys. Bye bye.